मंच पर विराजमान हो रहे हैं। आप जोरदार ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वीकार किया और उन्हें बढ़ते बिहार, विकसित बिहार का भरोसा दिलाया। माननीय मंत्री जी इस मंच पर विराजमान होकर पूरे पंडाल में उपस्थित जनों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। जोरदार ताली, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आज मुंगेर को यादगार तोहफा देने यहां उपस्थित हुए हैं, साथ में उप मुख्यमंत्री जी माननीय तेजस्वी यादव जी भी उपस्थित हैं। सबों का इस्तकबाल बहुत ही अनुशासन के भाव में करें। जोरदार ताली, कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए अग्नि को साक्षी मानकर भारतीय संस्कृति और परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है और मुंगेर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की नींव रखी जा रही है। मित्रों, द्वीप प्रजनन, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक, भाइयों बहनों, पत्रकारगण, निश्चित रूप से आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। यह कार्यक्रम शुरू में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए था, के साथ 630 बेड का अस्पताल का कार्य भी कराया जाएगा। निविदा प्रक्रियाधीन है। मैं इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा थी कि मुंगेर जिले में निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य होना चाहिए। माननीय सांसद महोदय लगातार इसकी समीक्षा कर रहे थे। मैं इस अवसर पर दो और परियोजना है जो सदर अस्पताल में प्री फैब्रिकेटेड हम लोगों ने बेड्स बनाए हैं। सह अस्पताल का शिलान्यास, जोरदार ताली। रिमोट से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल का शिलान्यास किया। ताली में कमजोरी हो रही है, जोरदार ताली माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जिन्होंने मुंगेर के चिर प्रतीक्षित मांग को पूरा करने में अपनी महती भूमिका निभाई है। मित्रों, कार्यक्रम को गति देना है, शिलान्यास समारोह के पहले यहां पर मेडिकल कॉलेज बनना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहां मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 630 बेड के अस्पताल का भी निर्माण होगा और ये आज इसका शिलान्यास होगा। और आप कल्पना कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि मुंगेर में बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ मेडिकल कॉलेज, इसके बगल में वानिकी महाविद्यालय, मुंगेर में विश्वविद्यालय की स्थापना और मुंगेर के सर्वांगीण विकास में, मुंगेर के सर्वांगीण विकास में लगातार विकास की ओर मुंगेर को बढ़ने के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपनी तरफ से और आप मुंगेर वासियों की तरफ से भी हम उनका अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ साथ हम यह उस बात के लिए भी उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहां पर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अस्पताल के निर्माण की भी स्वीकृति दी आज के दिन। और एक बात जान लीजिए,
एक बात आप मुंगेर वासियों को बता दें, बहुत लोगों को कल हम मुंगेर आए, तो ठीक है, हम कल मुंगेर आए तो देखे कि बहुत से लोग प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं कि मुंगेर का मेडिकल कॉलेज जो है केंद्र की सरकार के पैसा से बन रहा है। अरे भाई कुछ ज्ञान का वर्धन कीजिए, मुंगेर में जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बन रहा है उसमें चवन्ने भी भारत सरकार का नहीं लगा है, चार आना पैसा नहीं लगा है। राज्य सरकार ने और महागठबंधन की सरकार ने अपने संसाधन के बल पर, अपने बलबूते पर यहाँ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनवाने का काम किया है, इसलिए उन लोगों को थोड़ा ज्ञान वर्धन करना चाहिए। हालांकि आए थे 29 जून को भारत सरकार के बहुत भारी मंत्री आए थे, और बहुत भारी मंत्री आए थे लखीसराय में, और वहां भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि मुंगेर में मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया, नल का जल बनवाया कि नहीं बनवाया, बिहार में ताली बजाओ भाई, ताली भी तो नहीं बजा रहे हो, और ऐसा मान करके ताली बजवाने वाला केंद्र की सरकार का और बहुत भारी वर्ग। लेकिन खैर सब बात को छोड़िए, आज कोई राजनीति की बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि कल हम आए और हम आए तो हमने देखा कि अखबार में कुछ लोग बयान दिए, और बयान दिए हैं कि केंद्र की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने मुंगेर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया, इसलिए हमने साफ कर दिया कि चवन्नी भी चार आना भी उनका नहीं लगा है, ये साफ साफ है राज्य सरकार का और राज्य सरकार के संसाधनों के बल पर बन रहा है। तो इसी के साथ साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का मुंगेर की धरती पर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आज मुंगेर के जो लोगों की मांग थी उसको आज उन्होंने पूरा करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। 630 बेड का अस्पताल का कार्य भी कराया जाएगा, निविदा प्रक्रियाधीन है। मैं इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा थी कि मुंगेर जिले में निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य होना चाहिए। माननीय सांसद महोदय लगातार इसकी समीक्षा कर रहे थे। मैं इस अवसर पर दो और परियोजना है जो सदर अस्पताल में प्री फैब्रिकेटेड हम लोगों ने बेड्स बनाए हैं। सभी भाइयों बहनों पत्रकारगण निश्चित रूप से आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। यह कार्यक्रम शुरू में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए था।